और ये देख सकते हैं यहाँ घनघोर घटा छाई हुई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं छोटी तुम्बी, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है। और जहाँ पास अभी हम खड़े हैं, ये है जयस्तंभ चौक। ये शहर का सबसे बड़ा चौक है और सबसे साफ सुथरा चौक है। और ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये है कलेक्टर ऑफिस। यहाँ पास बोर्ड में लिखा भी है, देख सकते हैं। और हमारे साथ जो है आज दो फ्रेंड जा रही हैं घूमने के लिए, वहाँ का हम व्यू दिखाएंगे। और बहुत ही अच्छा वो पिकनिक स्पॉट है, तो वहाँ आपको ले चलते हैं। तो दोपहर का लगभग 2 बज चुके हैं और 2 बजे हम निकलने ही वाले हैं। तो चलिए हम वहाँ का वीडियो दिखाएंगे और वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है जयस्तंभ चौक और जो यहाँ इस साइड से रास्ता आ रहा है वो गांधी चौक होते हुए आपको रेलवे स्टेशन ले जाएंगे। और ये शहर के अंदर जा रहा है और जो इस साइड से रास्ता आ रहा है वो पाली रोड साइड आ रहा है, हमको इस साइड जाना है। और ये जा रहा है घाट मंदिर की ओर। तो गाइस, हम यहीं से अपना वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं घुनघुटी और यहीं से हम अब छोटी तुम्बी के लिए जाएंगे। और यहां पास पानी वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि वहां पानी का सुविधा नहीं है, इसलिए यहीं से ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो गाइस, हम घुनघुटी से अंदर आ चुके हैं और यहीं से हम जाएंगे छोटी तुम्बी के लिए। और ये देख सकते हैं यहाँ घनघोर घटा छाई हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा घना फॉरेस्ट है। और ये वन्य प्राणी विचरण क्षेत्र है, इस साइड बाघ भी आ जाते हैं कभी कभी। और हालांकि अभी तो नहीं है, नहीं हम लोग बचते ही ना। रुको जरा, सबर करो। और एक बड़ा सा पक्षी दिखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो बहुत दूर है, हमारे कैमरे में कैद नहीं हो पाएगा, नहीं आपको ज़रूर दिखाते। तो अभी हम इस साइड जाएंगे, देख सकते हैं पूरे सागौन का वृक्ष लगी हुई है, ये देखिए। और इस साइड बहुत ज़्यादा घना जंगल है। तो गाइस, चलते हैं और आगे, फिर आपको और दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ से हो जाता है चढ़ाई शुरू। और जो रास्ता है बहुत ही घुमावदार है और यहाँ से चढ़ाई ज़्यादा शुरू होता है, क्योंकि यहाँ ये पहाड़ी क्षेत्र है और हमको सबसे टॉप में जाना है। और देख सकते हैं सड़क के दोनों साइड फॉरेस्ट से घिरा हुआ रास्ता है और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ का। देख सकते हैं सूरज भी सामने है और क्या बोलने, यहाँ का सीन क्या है, बहुत ही अच्छा है। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घुमावदार वो है, अंधा मोड़ है ये, देखिए। और चलते हैं और आगे, तो और भी और अच्छा अच्छा पॉइंट है वहाँ, व्यू पॉइंट भी है, सेल्फी पॉइंट भी है। और छोटी तुम्बी मैं कई बार गया हूँ, लेकिन इस बार ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा, क्योंकि अभी अभी ठंड का मौसम शुरू हुआ है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, देखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड गाइस, यहाँ पास का मौसम देख ली, कितना प्यारा लग रहा है। वाव यार, बहुत सुंदर मौसम लग रहा है। और हम अभी और आगे चलते हैं। फाइनली गाइस, हम छोटी तुम्बी पहुंचने वाले हैं, जो आपको सामने जो गाड़ियां दिख रही है उसी साइड हमको जाना है। और इस साइड मेन रोड से कच्चा रास्ता है और हमको अभी और आगे जाना है, पथरीला रास्ता है ये, संभल के जाना पड़ेगा। और चलते हैं टॉप में, जहाँ पास सेल्फी पॉइंट है और वहाँ पास बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और देख सकते हैं इस साइड पूरा जितना है पूरा व्यू पॉइंट ही है, और वहाँ पास ज़्यादा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और कुछ सेट वगैरह भी वहाँ पास लगे हुए हैं। तो वहीं पास चलते हैं, क्योंकि वहाँ पास सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है और वहाँ पास सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट है, तो चलते हैं वहीं पास। सो गाइस, हम फाइनली यहाँ पास छोटी तुम्बी पहुँच चुके हैं और इस साइड से जो रास्ता आया है वो कच्चा रास्ता है। और इस साइड देख सकते हैं पूरे फैमिली वाले अलग अलग जगह में अपना बाइक साइड में लगा के अपना पिकनिक मना रहे हैं। और इस साइड ये देख सकते हैं ये छोटी तुम्बी व्यू ऑफ पॉइंट है। और देख सकते हैं यहाँ पास काफ़ी भीड़ है और आपको थोड़ी आगे और लेके चलता हूँ और यहाँ पास का आपको व्यू पॉइंट दिखाते हैं, बहुत ही बेस्ट व्यू पॉइंट है। और ये शहडोल से लगभग 30 किलोमीटर है और यहाँ पास ये पिकनिक स्पॉट भी है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और फ्रेंड के साथ और फैमिली लोग भी यहाँ आते रहते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ का व्यू पॉइंट दिखाते हैं और ये देख सकते हैं ये व्यू पॉइंट है। और यहाँ पास काफ़ी सेल्फी लेते हैं जितने लोग आते हैं और ये खाली नहीं रहता।
जब देखो यहाँ पास सेल्फी लेते रहते हैं, और ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, और उस साइड भी व्यू पॉइंट है, उस साइड भी आपको ले चलते हैं। और सबसे पहले यहाँ का आप देख लीजिए व्यू। गाइस ये है छोटी तुम्बी का सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट, ये देख सकते हैं पूरे यहाँ का पहाड़ दिख रहा है। एंड गाइस वहाँ से हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं दूसरे व्यू पॉइंट में, और वहाँ से आपको दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा कैसा है और वहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है। सो गाइस हम दूसरे व्यू पॉइंट से इस साइड आ चुके हैं, यहाँ पास का भी आप व्यू पॉइंट देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है व्यू पॉइंट। और देख सकते हैं इस साइड मैं बैक कैमरा दिखा रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत ज्यादा आ रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप है, और ये देख सकते हैं बैक कैमरे से। और ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा, ये जो आप पर्वत देख रहे हैं ये माइकल श्रेणी है, जो साइड नहीं दिख रहा उस साइड भी पर्वत है लेकिन नहीं दिख रहा है धुंध के कारण, और उस साइड माइकल श्रेणी है, और ये माइकल श्रेणी है, और इस साइड सतपुड़ा पर्वत है जो अमरकंटक से होते हुए आती है, और ये है ये माइकल श्रेणी पर्वत। यहाँ से जितना भी आप देखेंगे पूरे चारों साइड आपको पहाड़ ही नजर आएंगे, ये देख सकते हैं। तो गाइस हम छोटी तुम्बी घूम चुके हैं, और हम लगभग 2 बजे आए थे, अभी शाम 5 बज गए हैं, और ये छोटी तुम्बी शहडोल से लगभग 30 किलोमीटर है, एक टूरिस्ट प्लेस है, और ये आप बोल सकते हैं कि हिल स्टेशन टाइप का भी है, हिल स्टेशन आप बोल सकते हैं, और वेडिंग शूट में भी आते हैं, फोटो शूट में भी आते हैं, और जितने फैमिली लोग हैं वो घूमने के लिए भी आते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय जय हिंद।